मैनपुरी से अखिलेश यादव ने की विजय रथ यात्रा के 8वें चरण की शुरुआत। विजय रथ यात्रा में उमड़ी सपा कार्यकर्ताओं की भीड़। भाजपा की चुनावी यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज, कहा ये जनता का रथ नहीं। चाउमीन वाले ठेले से की भाजपा के रथ की तुलना। वो लगते ना मिठाई के, खाने के और चाउमीन के ठेले, उस तरह का रथ दिखाई दे रहा है उनका। ये जनता का रथ नहीं है। अरे रथ चलाना था तो तैयारी से रथ चलाते। आप दूसरे के रथ की समर्थन जनता का मिल गया, उसके बाद आप ये चाउमीन वाला रथ लेकर के निकले हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा भाजपा उद्घाटन नारियल से नहीं टमाटर से करेगी। नारियल से सड़क का उद्घाटन होगा तो सड़क टूट जाएगी। जनता पार्टी की बढ़ाई हुई सड़क में अगर नारियल से तोड़ने जाओगे, उद्घाटन करने जाओगे तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदलते बदलते, रंग बदलते बदलते ये भी तय कर दिया है कि अब उद्घाटन में नारियल का इस्तेमाल नहीं होगा, टमाटर का इस्तेमाल होगा। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर बोला जुबानी हमला। कहा सरकार बुलडोजर लेकर कब पहुंचेगी लखीमपुर। वाली सरकार लखीमपुर बुलडोजर लेकर के कब पहुंचेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने भाजपा पर वार करते हुए कहा देश में सबसे बड़ी झूठी पार्टी है भाजपा। उनका वादा निकला जुमला। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन जो है, विकास के विज्ञापन, वो झूठे हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा से पूछे कई सवाल। कहा लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, बेरोजगारों की संख्या क्या है। भाजपा बताए जिलों में कितनी नौकरी मिली। पर कैपिटा इनकम बड़े पैमाने पर लोग वो हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, नौकरी के लिए भटक रहे हैं। सपा अध्यक्ष बोले यूपी में मैन्युफैक्चरिंग की भारी गिरावट, छोटे उद्योग चल नहीं पा रहे हैं, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग की भारी गिरावट हुई है। कारखाने, उद्योग और छोटे बड़े मध्यम उद्योग चल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिंचिंग को लेकर मोदी सरकार पर उठाया सवाल। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन और लखीमपुर हिंसा के विरोध में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने आज फिर खोला मोर्चा। संसद से लेकर विजय चौक तक निकाला मार्च। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर लोकसभा में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने किया जमकर हंगामा। विपक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा रहा। हर माननीय सदस्य को बोलने का मौका दूंगा, देर रात को 12 बजे तक सदन चलाऊंगा। मैनपुरी में आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव के घर पर 3 दिनों बाद खत्म हुई आयकर विभाग की रेड। देर रात इनकम टैक्स विभाग ने छोड़ा मनोज यादव का घर। अखिलेश के बेहद करीबी माने जाते हैं मनोज यादव। अखिलेश के करीबी जैनेन्द्र सिंह उर्फ नीटू यादव के घर आईटी रेड खत्म। सोमवार देर रात आयकर विभाग की टीम वापस लौटी। टैक्स चोरी की सूचना पर 3 दिन से दस्तावेज खंगाल रही थी आयकर विभाग की टीम। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और मोहन भागवत की हुई अनौपचारिक मुलाकात। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर शादी समारोह में पहुंचे थे दोनों, एक ही साथ सोफे पर बैठे नजर आए। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और मोहन भागवत की मुलाकात पर यूपी भाजपा ने किया ट्वीट, लिखा ये तस्वीर बहुत कुछ बोलती है।